दोस्तों, सुंदर पंखों वाली तितलियाँ सबको प्यारी लगती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इन्हें बहुत प्यार करते हैं। इन सुंदर तितलियों से हमें कितना ज्यादा प्यार है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। जब भी हम इन सुंदर तितलियों को देखते हैं तो इन्हें छूने का मन करता है। दोस्तों, तितलियाँ होती ही इतनी प्यारी है कि उसकी रंग बिरंगी अदाओं को देखकर हम सब इसके दीवाने हो जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि इन सुंदर तितलियों का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तितलियां पेड़ पौधों की पत्तियों में अंडे देते हैं। ये अंडे किसी भी रंग के हो सकते हैं। अंडे देने के बाद धीरे धीरे इनका रंग बदलता जाता है, जिसका मतलब है कि अंडों में लार्वा बनना शुरू हो गया, और इस दौरान अंडों के अंदर हल्की फुल्की हलचल भी देखने को मिलती है। लगभग 5 दिनों के बाद अंडे का रंग काला हो जाता है, जिसका मतलब है कि अंडे के अंदर लार्वा बनकर तैयार है और कभी भी अंडे की परत को तोड़कर बाहर आ सकता है। अंडे से बाहर आने के बाद ये लार्वा उसी अंडे की परत को खाना शुरू कर देता है, और उस परत के खत्म होते ही वो पत्तों को खाना शुरू कर देता है। इन पत्तों को खाकर ये लार्वा 10 से 12 दिनों में लगभग 3 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है, और इस दौरान ये लार्वा अपनी त्वचा को भी बदलता रहता है, बिल्कुल किसी सांप की तरह। आपको बता दूं कि ये लार्वा इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 5 बार अपनी त्वचा बदलता है, और पूरे 20 से 25 दिनों के बाद ये लार्वा पूरी तरह से विकसित होकर 5 से 6 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बदलती त्वचा के साथ इसका रंग और रूप भी बदलता रहता है। पूरी तरह विकसित होने के बाद ये लार्वा पत्तियों को खाना बंद कर देता है और अपने आप को तितली में बदलने के लिए प्यूपा का निर्माण शुरू कर देता है। आपको बता दूं कि तितलियों का जन्म प्यूपा से ही होता है। ये लार्वा प्यूपा बनाने के लिए सबसे पहले अपने लार से एक चिपचिपा पदार्थ तैयार करता है, जिसके बाद ये लार्वा अपने शरीर का पिछला हिस्सा उस चिपचिपे पदार्थ से जोड़ देता है। उसके बाद ये लार्वा फिर एक बार अपने लार से अपने शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षित लेयर तैयार करता है, ताकि प्यूपा बनने के बाद वो यहाँ से नीचे ना गिर सके। लेयर बनने के बाद ये लार्वा प्यूपा बनाना शुरू कर देता है, और इस प्रक्रिया में फिर एक बार ये लार्वा अपनी त्वचा को निकाल देता है, जिसके बाद ये पूरी तरह से प्यूपा बना लेता है। प्यूपा बनने के पूरे 1 महीने बाद ये प्यूपा धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होता चला जाता है, जिसके अंदर हम तितली को भी देख सकते हैं। इसके बाद इसमें धीरे धीरे हलचल होने लगती है, जिसके बाद एक सुंदर तितली इस प्यूपा से बाहर आती है, और इस तरह एक सुंदर तितली का जन्म होता है। प्यूपा से बाहर निकलने के बाद तितली 1 घंटे के अंदर अपने पंखों को विकसित कर लेती है, जिसके बाद ये तितली अपनी नई जिंदगी के नए सफर की नई उड़ान भरती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस को देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।